नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ स्वाति त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहाड़ी इलाकों में बड़ा ठंड का कहर, मैदानी इलाकों में भी तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। इस कपा देने वाली ठंड में कई झरने और झीलें जम गई हैं। नदी नालों की धारा थमकर ठोस बर्फ में बदल गई है। पानी शीशे की तरह चमक रहा है और खराब मौसम को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है और उपायुक्तों को विशेष एहतियातन बरतने के निर्देश दे दिए हैं। लाहौल, किन्नौर और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को बर्फबारी के वक्त घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत दे दी गई है। आपात स्थिति से निपटने के लिए मशीनरी और विशेष टीमें तैनात कर दी गई हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि 14 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहेगा, उसके बाद मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। विभाग के अनुसार 11 और 12 दिसंबर को प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना भी दिखी है। मुख्य सचिव VC फारका ने सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी करके हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा है और उपायुक्तों को PWD1 स्थानीय निकाय और संबंधित विभागों के साथ लगातार संपर्क में रहकर स्थिति सामान्य रखने को भी कहा है, जिससे बर्फबारी और बारिश से जानमाल का नुकसान ना हो। तो इस पूरी जानकारी के साथ पराक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी पराक्रम, कैसा है वहां का हाल? देखिए, जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा था कि 11 दिसंबर से यानी कि आज से जो है प्रदेश भर का मौसम जो है खराब होगा, तो उसकी जो है असर देखना शुरू हो गया है और प्रदेश में जो है बादल छाए हुए हैं आसमान पर और ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में जो है बारिश या बर्फबारी यहाँ पर शुरू हो सकती है। और जिस तरह से अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने या फिर सरकार ने, क्योंकि पिछली मरतबा जिस तरह से जनवरी में बर्फबारी हुई थी पूरे प्रदेश में, तो शिमला साइड, मनाली, कुल्लू और ऊपर के जो इलाके हैं सारा टप टप हो गया था। बिजली, पानी और सड़कों की बहाली के लिए काफी वक्त लगा था और सरकार और निगम प्रशासन को काफी सजीत का सामना करना पड़ा। इसलिए जो है सरकार से लेकर अभी पूरा आमला जो है अलर्ट हो गया है और निर्देश जारी कर दिए हैं कि अगर बर्फबारी होती है तो उससे निपटने के लिए बिल्कुल तैयार रहे। और जो VC फारका है मुख्य सचिव, उन्होंने भी जो है बैठक लेकर सभी जिला जो उपायुक्त हैं उनको निर्देश दिए हैं कि हर स्थिति से निपटने के लिए जो है तैयार रहें और जहां भी जरूरत पड़े वहां पर जो है बर्फ हटाई जाए। खासकर जो अस्पताल है और जरूरी जगहें हैं वहां पर जो है बर्फ को हटाने के लिए जो भी जरूरी मशीनरी है उसका वहां पर इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अभी जो है जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा है उसका असर देखना शुरू हो गया है और मौसम विभाग ने कहा है कि 12 और 13 दिसंबर को है जो है प्रदेश के कई इलाकों में भारी बर्फबारी और कई इलाके खासकर निचले क्षेत्र हैं वहां पर भारी बारिश हो सकती है। जी स्वागत पराक्रम, स्थानीय लोग हैं जो वहाँ के, उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? अब देखिए, जो स्थानीय लोग हैं उनको पता होता है कि बर्फबारी जो है या बारिश होने वाली है तो वो पूरी तैयारी पहले से कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि जो पाइपें हैं पानी की वो जम जाती हैं, साथ में जो रास्ते हैं वो जो है बंद हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए समस्या रहती है। लेकिन जो किसान और बागवान प्रदेश के हैं वो यही आस लगाए बैठे हैं कि बर्फबारी हो, बारिश हो, ताकि जो उनकी फसल है वो बच सके। खासकर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर सेब की फसल होती है और आजकल यदि बर्फबारी उपयुक्त मात्रा में नहीं होती है नुकसान से भी फसल को हो सकता है। इसलिए इंद्रदेव से उम्मीद लगाए बैठे थे और आस लगाए बैठे थे कि बर्फबारी यहां पर हो ताकि जो सेब के पौधे हैं उनमें जान आ सके और अच्छा सेब जो है सीजन में निकल सके। इसके अलावा जो निचले क्षेत्र है वहां पर गेहूं की फसल अभी बीजने को है और अभी बीजी नहीं गई है, तो लोग बारिश पर निर्भर है और जब भी बारिश होगी तो निश्चित रूप से जो फसलें हैं चाहे गेहूं की फसल है या दूसरी फसलें जो है उनको उगाने का काम शुरू होगा। जी जी पराक्रम, जैसे कि कहा बताया गया है कि 11 से 12 दिसंबर तक भारी बारिश हो सकती है, तो क्या इसके बाद भी मौसम ऐसा ही रहेगा या फिर कुछ अलग होने के आसार है मौसम में? देखिए स्वाति, जो 3 दिन है उस दौरान जो है भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है, उसके बाद जो है ड्राई मौसम रहने की जो है
बात मौसम विभाग ने कही है, लेकिन ये जो तीन दिन है इसके लिए अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने और सतर्क रहने की सलाह दी है, चाहे पर्यटन हो या स्थानीय लोग हों या फिर जो जो भी किसान बागवान है उनको पूरी हिदायत बरतने का इस दौरान जो है चेतावनी दी गई है। लेकिन अभी जो है उससे खराब बना हुआ है और हो सकता है कि थोड़ी देर में हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में बर्फबारी शुरू हो जाए और बारिश शुरू हो जाए निचले क्षेत्रों में, उसके लिए प्रशासन शासन जनता और पर्यटक को पूरी तरह से चेतावनी दी गई है और पूरे जो है इस दौरान जो है एहतियात बरतने की सलाह जो है प्रशासन की तरफ से दी गई है और सतर्कता बरतने की बात कही गई है और सतर्क प्रशासन हो गया है, सरकार हो गई है, ताकि यदि ज्यादा बर्फबारी होती है तो उससे निपटा जा सके। स्वाति जी पराक्रम बहुत बहुत शुक्रिया इस सभी जानकारी के लिए। तो शिमला से पराक्रम हमारे साथ जुड़े हुए थे इस पूरी जानकारी के साथ। 11 से 12 दिसंबर तक बारिश होने के आसार हैं, बर्फबारी पड़ सकती है और कांगड़ा से हमारे संवाददाता गौरव हमारे साथ दौलत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दौलत कैसा है वहां का मौसम? जी देखिए, जैसा कि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान दिया था कि 11 से लेकर 13 दिसंबर तक बारिश की संभावना है, तो आज रात से ही जिला कांगड़ा में बारिश शुरू हो गई है, जिससे जो लोगों को जो अब शुष्क ठंड पड़ रही थी पिछले एक महीने से उससे थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। वहीं किसानों को जिनकी फसल की बिजाई लेट हो रही थी उससे किसानों के चेहरों में भी थोड़ी रौनक आ गई है। अब ये देखना है कि ये बारिश कितनी मात्रा में होती है और इसका किसानों को कितना फायदा होता है, लेकिन कुल मिलाकर ये जो बारिश वो शुरू हुई है उससे जो किसानों को और शुष्क ठंड से जो है लोगों को काफी राहत मिली है। तो और सैलानियों की तादाद में क्या बढ़ोतरी हुई है, क्या लोग पहले की तरह ही वहां पर आ रहे हैं? जी अभी ये रात से बारिश शुरू हुई है, अगर यहाँ पर बर्फबारी अगर शुरू होती है तो सैलानियों की आमद जो है बड़ी वो बढ़ सकती है, क्योंकि वैसे भी 15 दिसंबर के बाद सैलानियों की आमद जो है वो हिमाचल में टूरिस्ट प्लेसों में शुरू हो जाती है, लेकिन अभी जो मौसम का मिजाज है अगर यहाँ बर्फबारी होती है तो सैलानियों की संख्या जो है वो बढ़ सकती है, इसके लिए प्रशासन ने जो है वो अपने पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। जी दौलत, आगे मौसम कब तक ठीक होने के आसार हैं? मौसम विभाग से कुछ सूचना मिली है ये कि कब तक मौसम ठीक हो जाएगा? देखिए, मौसम विभाग ने जो हमें सूचना दी है उसके मुताबिक 11 से लेकर 15 तारीख तक जो पश्चिमी विक्षोभ है उसकी यहाँ पर हिमाचल में सक्रिय रहने की उम्मीद जताई है और उसके लगभग 15 तारीख के बाद ही यहाँ मौसम जो है वो ठीक होने की संभावना जताई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया दौलत इस सभी जानकारी के लिए। तो कांगड़ा से दौलत हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो हिमाचल में बारिश के अनुसार और भारी बर्फबारी के अनुसार संभावना है अगले 11 से 14 दिसंबर तक भारी बारिश हो सकती है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बर्फबारी की वजह से। मुख्य सचिव वीसी फारका ने भी सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए हैं, स्थिति निपटने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। उपायुक्तों को पीडब्ल्यूडी, वन, स्थानीय निकाय और संबंधित विभागों के साथ लगातार संपर्क किया जा रहा है जिससे बर्फबारी और बारिश से जानमाल का कोई नुकसान ना हो। तो हिमाचल में ठंड का कहर जारी है। हिमाचल में और अगले 3 से 4 दिनों तक भारी बर्फबारी हो सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 100।